गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश का पीरियड है। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैं आपको इंग्लिश में लेसन करवा रही थी ना, आपका लेसन करवा रही थी मैं द गोल्डन टच। तो चलो बच्चों, आज हम लोग लेसन करते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। अब तक की कहानी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एक राजा था, राजा का नाम था मिदास, और मिदास चाहता था कि वो जो भी चीज़ को छुए वो सोने की बन जाए। तो इसने उसने भगवान से इस बारे में वरदान मांगना चाहा, तो वरदान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब उससे वो जो भी सामान छूता था वो सोने का बन जाता था। वो बेड को छूता था तो बेड सोने का बन गया, चेयर को छुआ तो चेयर सोने की बन गई, दीवार को छुआ तो दीवार सोने की बन गई, ठीक है। इसी तरह से एक बार जब वो भूखा था तो उसकी जो बावर्ची कुक ने उसके सामने खाने का बहुत सारा सामान रखा। तो जैसे ही उसने खाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो वो क्या हुआ, चम्मच को जैसे ही छुआ तो चम्मच क्या हुआ, वो सोने का बन गया। जब उसने पानी को छुआ तो उसको प्यास लगी थी, पानी को जैसे ही पकड़ा, जैसे उसने ग्लास पकड़ा, वैसे ही क्या हुआ, वो सोने का बन गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, देखिए यहाँ तक पढ़ाया था मैंने, देन ही टच द फूड एंड वाटर एंड दे टर्न इन टू गोल्ड टू। जैसे ही उसने खाने को और पानी को हाथ लगाया वो तुरंत ही सोने में चेंज हो गया। तो इसके आगे चलिए पढ़ते हैं, ही वॉज वेरी हंग्री, हंग्री माने भूखा, बट ही कुड नॉट ईट, क्योंकि अब राजा को बहुत भूख लगी थी, है ना, अब उसे भूख लगी थी लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहा था। क्यों नहीं खा पा रहा था, कि जैसे ही वो खाने जिस चीज़ को भी छू रहा था, यानी खाने को छुआ उसने, तो खाना क्या हो गया, खाना सोने का बन गया। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था, बट ही कुड नॉट ड्रिंक, बट वो पानी पी नहीं सकता था क्योंकि जैसे ही उसने पानी को हाथ लगाया पानी भी सोने में बदल गया। ही बिकेम वेरी सैड, वो क्या हो गया, उदास हो गया, सैड माने उदास होना, वो उदास हो गया। ही हैड अ लिटिल डॉटर हूम ही लव वेरी मच, तो उस राजा की एक छोटी सी बेटी थी जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शी केम रनिंग इनसाइड फ्रॉम द गार्डन टू मीट हिम, तो शी केम माने वो रनिंग, वो लड़की दौड़ती हुई आई, कहाँ से, गार्डन से, क्यों आई थी, अपने पिता से मिलने के लिए, अपने फादर से मिलने के लिए उसकी बेटी भागती हुई आई। द किंग वॉज हैप्पी टू सी हर, तो राजा ने जैसी अपनी बेटी को देखा वो बहुत खुश हो गए क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, तो अपने बच्चे को देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ही फॉरगॉट अबाउट हिज विश एंड हग्ड हर, और उसको देख के इतने खुश हो गए कि उन्होंने जो उनकी जो इच्छा पूरी हुई थी, जो उन्हें वरदान मिला था, वो उसके बारे में भूल गए, और उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी को देखते ही तुरंत उसको उठाया और अपने गले से लगा लिया उसको, मतलब कहते हैं ना गहक करने का मतलब गले लगाना, उसे उसको उठाकर उन्होंने पकड़ के छू के गले लगा लिया। देखिए जैसे ये किया हुआ है, इसको बुला रहे हैं, हाथ ले रहे हैं, उसे गले लगाने के हाथ बढ़ाया उन्होंने। अलास शी टू टर्न इन टू गोल्ड, तो अफसोस वो उनकी जो बेटी थी वो भी क्या हुई, वो भी सोने में चेंज हो गई। देखिए जैसे ही हाथ लगा राजा का इसके ऊपर, वो भी सोने की बदल गई, सोने में बदल गई वो। शी बिकेम आ गोल्डन स्टैचू, स्टैचू माने मूर्ति, अब वो कैसे बदल गई, वो किस में बदल गई, वो सोने की मूर्ति में बदल गई थी। अब द किंग वॉज वेरी वेरी सैड, अब राजा बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया। ही वॉन्टेड हिज डॉटर बैक, वो अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था, मतलब चाहता था कि उसकी बेटी फिर से वैसे ही चलती हुई, मतलब दौड़ती हुई रहे। ही प्रेड टू गॉड टू टेक बैक द विश, अब वो चाहता था कि उसकी जो उसको जो वरदान मिला है, जो उसकी इच्छा पूरी हुई, भगवान उसको वापस ले ले, उसको वो नहीं चाहिए। ही सेड आई डोंट, इसे बोलेंगे डोंट, आई डू नॉट, क्या कह सकते हैं आप,
आई डोंट वॉन्ट एनी रिचेस और गोल्ड और एनीथिंग एल्स। तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी सोना नहीं चाहिए, कोई कीमती चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, टेक बैक एवरीथिंग, आप सब कुछ वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट माई डॉटर बैक, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, मुझे अपनी मेरी बेटी वापस वैसे ही हाल में चाहिए, आप चाहे उसके बदले में जो भी कुछ आपने सोने का बना है वो सब वापस ले लीजिए, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए। सो द गॉड टुक बैक हिज विश, तो क्या हुआ कि जो भगवान ने उसकी अपनी जो उसको इच्छा दी थी उसको वापस ले लिया, एंड वंस अगेन एवरी थिंग टर्न बैक टू वॉट इट वॉज, और क्या हुआ कि जो भी चीज़ सोने में बदली थी, जो भी चीज़ सोने में बदल गई थी वो वापस अपने ही वास्तविक रूप में आ गई, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे उसकी बेटी हो, सब कुछ वापस अपने ही सही रूप में आ गया। बट अबव ऑल द थिंग्स द किंग वॉज मोस्ट हैप्पी टू गेट हिज डॉटर बैक, अब जबकि कुछ भी सोने का नहीं रहा, सब कुछ अपने वैसे रूप में आ गया, उसके बावजूद भी राजा बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसको उसकी बेटी वापस मिल गई थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ऑलराइट है ना? तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क होगा ये जो वर्ड मीनिंग आपके लिखे हुए हैं, इन वर्ड मीनिंग को आप क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ऑलराइट, तो आप लोग ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और साथ ही में लर्न भी कर लीजिएगा, इनकी स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा। और जो इस पेज पे देखिए ये सब वर्ड लिखे हुए हैं डार्क से, डॉटर है, लिटिल है, सैड है, गार्डन है, हग्ड है, फॉरगॉट है, टर्न्ड है, बिकेम है, स्टैचू है, ये सब आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।